खुदा के वास्ते मुझे किसी तरीके से मेरी माँ के पास पाकिस्तान पहुंचा दो, किसी फ्रेंड से उधार ले लो, मैं वापस कर दूंगी, आई प्रॉमिस। हेलो अम्मी। अस्सलामुअलैकुम महाबाजी, मैं रजिया बात कर रही हूँ। बीबी जी को अटैक आया है, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आई हूँ, कल उनका बाईपास है, आप जल्दी से पाकिस्तान पहुँचे। क्या हुआ, क्या कहा आंटी ने? हॉस्पिटल से फोन था, अम्मी का हार्ट अटैक हुआ। व्हाट? वो कह रहे हमारे पास है सफीर, प्लीज प्लीज मुझे मेरी माँ के पास पहुंचा दो, प्लीज सफीर प्लीज, जो मर्जी करो मुझे सबसे पहली फ्लाइट पे पहुंचा दो, प्लीज 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 मुझे अपनी माँ के पास पहले, वो कह रही है। रिलैक्स, मैं अभी तुम्हारी टिकट कंफर्म कराता हूँ। जो भी पहली अवेलेबल फ्लाइट है वो कंफर्म करना प्लीज। मेरी फ्लाइट सफेद सीट कंफर्म हुई कि नहीं? सीट तो अवेलेबल है, लेकिन 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 मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं है कि मैं कंफर्म करूं। क्या कहा तुमने? मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं है कि मैं टिकट खरीदूं। इसका क्या मतलब है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं? कितनी बार दोहराऊं कि टिकट के पैसे नहीं है मेरे पास अकाउंट में? मेरी मम्मी वहां जिंदगी बहुत की बाजी खेल रही है और तुम यहाँ कह रहे हो कि तुम्हारे पास मुझे भेज देंगे, पैसे नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है, मैं क्या करूं, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये देखो, देख लो, नहीं है पैसे। होंगे भी क्यों, जो तुम्हारी सैलरी तुम्हें मिलती तुम आधी तो उड़ा देते हो, अपनी महंगी शर्ट, अपने फोन, अपने महंगे जूतों पे। बकवास बंद करो महा, तुम ही परेशान हो इसलिए जो जी मैं बोल रही हूँ। नहीं करूंगी बकवास बंद अपनी, तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे आई, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के तुम्हारे भरोसे कि तुम मेरी टेक केयर करोगे, लेकिन तुम तो अपने पर्सनल लाइफ से कभी बाहर आए नहीं, तुम्हें यही नहीं पता कि इमरजेंसी के लिए पैसे सेव किए जाते सभी। मैंने जो खर्चा किया अपने पैसों से किया, मैंने तुम्हें घर छोड़ने के लिए नहीं कहा था, तुम मेरे पीछे आई थी, मुल्क छोड़ने का फैसला तुम्हारा था, ये सब जो हो रहा है तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ? तुमने किया क्या है, तुम तो शुरू से इस लाइफस्टाइल के आदी थी। देखो सफीर, इससे मैं तुमसे झगड़ने की पोजीशन में नहीं, इससे खुदा के वास्ते मुझे किसी तरीके से मेरी माँ के पास पाकिस्तान पहुंचा दो, किसी फ्रेंड से उधार ले लो, मैं वापस कर दूंगी, आई प्रॉमिस। मैं, मेरा कोई दोस्त नहीं है जिससे मैं उधार मांगू, और ना ही मेरे पास फैमिली है थैंक्स टू यू। सफी, माँ तुम रो रही हो, व्हाई यू क्राइंग? सफीर तो ठीक है ना? पर बताओ तो सही, हुआ क्या है? नहीं जो है। हाँ हाँ माँ बताओ, बोलो क्या चाहिए? अम्मी को हार्ट अटैक आया है, रसिया ने हॉस्पिटल लेके गई है, शीज ऑल अलोन। ओह गॉड, अल्लाह आंटी पे रहम करे, मुझे पाकिस्तान आना अम्मी के पास प्लीज नम्र। बिल्कुल आओ, कब आ रही हो तुम? मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है,
से तुम रोना बंद करो प्लीज, मेरी बात सुनो। प्लीज मुझे टिकट के पैसे भेज दो, प्रॉमिस। आई प्रॉमिस मैं तो वापस कर दूंगी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है ना, अकाउंट नंबर भेजो, मैं पैसे भेज रहा हूं तुम्हें। ओके अब मेरे को कुछ होगा तो नहीं? इंशाल्लाह आंटी को कुछ भी नहीं होगा, परेशान मत हो। बस मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर करती हूँ, तुम टिकट करवा कर आ जाओ यहाँ पे।